वेलकम बैक टू माय चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो भाई क्या चल रहा है भाई? मैंने पहले भी बोला था कि कुछ टाइम वेट करना है और फिर अच्छे दिन आएंगे अपने। मेनली मैं शाहरुख खान फैंस की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये अच्छे दिन नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिन हो गए, क्योंकि साल की शुरुआत यशराज प्रोडक्शंस की मोस्ट एक्सपेंसिव एक्शन फिल्म्स में से एक, एंड साल का एंड इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ। वाह भाई वाह, मतलब क्या स्टारडम है भाई। मतलब बंदे ने भले 7 अंडर परफॉर्मेंस वाली फिल्म दी हो, लेकिन फिर भी डायरेक्टर आज भी उसके साथ काम करने के लिए उतने ही उतावले जितने कि 10 साल पहले थे। तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शंस एंड मैसेज में पूछा कि भाई ये डंकी नाम क्या है, ये कैसा टाइटल है, ये क्या अजीब सा टाइटल है। तो मैंने एनालाइज किया बहुत देर। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तो ये लोग पूरे 4 साल अनाउंसमेंट का रोना 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 करते रह गए। अब जब अनाउंसमेंट हुआ तो ये लोग इंक्वायरी करना चालू कर दिए कि क्यों राइटर ऐसा है भाई, ये कहीं मुन्ना भाई 3 स्क्रिप्ट का रिजेक्टेड स्क्रिप्ट तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है भाई, डंकी कैसा नाम है। मतलब यार तुम लोग, मतलब ऐसा है ना कि मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिटरली कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, तुम लोग मतलब यार तुम लोग कोई काम के नहीं हो यार, कुछ नहीं बोलना तुम लोगों को। मतलब क्या बोलूँ, ये लोग थिएटर भी नहीं जाएंगे, तुम लोग लिख के ले लो फिल्म, जो न्यूट्रल ऑडियंस से कमा लेगी तो कमा लेगी। खैर वो सब चीज़ को साइड करो। डंकी इन द सेंस क्या है कि ये फिल्म, एक तो हम लोगों को पता है कि इमिग्रेशन के ऊपर बेस थी, इतना तो हम लोग को बेसिक चीज़ पता था जब मूवी का मतलब जब मूवी बन रही, मूवी का मतलब थोड़ा सा हल्ला मचा था। तो इन द सेंस डंकी नाम रखा गया तो एक्चुअली वो रिलेट करता है डोंकी फ्लाइट से। डोंकी फ्लाइट तुम लोग जाकर चेक करो, मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। डोंकी फ्लाइट एक्चुअली क्या होता है कि जो स्टेशंस अलग अलग कंट्री पे स्टेशंस वाइज रुक कर वो एक डेस्टिनेशन पहुँचता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसका स्टेशन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इल्लीगल तरीके से लोग आते हैं दूसरे दूसरे अलग अलग स्टेशंस में, यानी कि स्टेशंस मतलब डिफरेंट कंट्रीज जो कि वो फ्लाइट का स्टेशन होता है, अलग अलग कंट्रीज में उतर जाते हैं, उतर के वो उनका जो काम है, जो कांड करना है या क्या भी करना है वो सब इलीगल वे में, दैट इज़ व्हाट इमिग्रेशन इज। तो पासपोर्ट वगैरह वो सब कुछ जाली होता है, जो भी होता है, दैट इज़ व्हाट अ डोंकी फ्लाइट इज़। वो अलग अलग कंट्रीज जाता है, दैट इज़ दैट फ्लाइट स्टेशन। लेकिन उस जगह पे क्या होता है कि कुछ इल्लीगल तरीके से लोग घुस जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगह पे विदाउट यू हैविंग पासपोर्ट। इवन हमारे यहाँ पे भी कुछ आई गेस बहुत बांग्लादेशी लोग हैं जो मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग देम, लेकिन हुआ है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो यही डोंकी फ्लाइट इसी को बोलते हैं। तो इस बेसिस पे मूवी का प्लॉट है और उस बेसिस पे फिल्म का नाम डंकी रखा गया है। डंकी इन द सेंस वो एक तो पंजाबी कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद प्रोनाउंसिएशन में डंकी उसने यूज़ किया, जैसे कि मूवी में पीके, मूवी में पीके जो वर्ड, जबकि हम लोग किसी को ऐसा पूछते नहीं पीके है क्या तुम, हम लोग ऐसा नहीं पूछते, हम लोग बोले पियक्कड़ है, बेवड़ा है क्या तुम, हाँ क्या पीके आया है क्या तुम, हम लोग ऐसा स्लैंग्स यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें कुछ और स्लैंग्स यूज़ करके उस फिल्म का टाइटल उन लोगों ने चॉइस किया। तो डंकी इन द सेंस, डंकी मतलब वही है कि डोंकी फ्लाइट के बेसिस पे पूरा कंटेंट एंड प्लॉट है, और इस प्लॉट को पूरे तरीके से डायरेक्ट राजकुमार हिरानी करेंगे। एंड बिलीव मी, प्लॉट बहुत ही ज़बरदस्त है। ये प्लॉट आई गेस इंडिया में ये प्लॉट पे तो फिल्म नहीं बनी है, क्योंकि फॉरेन में हॉलीवुड में बनी है। क्या मूवी का नाम क्या था यार, टर्मिनल्स आई गेस कुछ तो नाम था, द टर्मिनल्स आई गेस ऐसा कुछ नाम था, तो उस प्लॉट पे बनी है। लेकिन हिंदी सिनेमा में अभी तक तो ये, हाँ रेफ्यूजीज़ के ऊपर बनी है, बट ये अलग मैटर है, रेफ्यूजीज़ अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है। इसमें क्या सीन है कि ये मतलब इल्लीगल तरीके से घुसना और घुसने के बाद प्रॉब्लम फेस करना और घुसने के बाद जितने प्रोसीजर्स होते हैं वो सब कुछ पार करना, उस बेसिस पे पूरी की पूरी कॉमेडी फिल्म। भाई लिटरली सबसे ज़्यादा दिल को सुकून कब मिला पता है, जब बंदे मतलब ये जो अनाउंसमेंट टीज़र था, डेट अनाउंसमेंट वीडियो था, इसमें दोनों ने कहा कि क्या फिल्म रही सर, तो उन्होंने कहा कि कॉमेडी फिल्म। तो भाई साहब उस जगह पे हाथ मैंने दिल पे रखा और बोला कि भाई सुकून मिला दिल को, रोमांस नहीं है। मैं हमेशा से बोलता था
कि भाई रोमांस नहीं चाहिए, रोमांस नहीं। आज वही डायलॉग दोनों ने, वही डायलॉग मार दिया जो मैं डायलॉग 2-2.5 साल से वीडियोस में मार रहा हूँ, कि कुछ भी करो बस हो गया भाई, बस हो गया, बस हो गया। मुझे तो पहले से ही पसंद, एक्चुअली वो जॉन वो क्राइटेरिया पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज उन दोनों ने ही मतलब वो डायलॉग वो वीडियो में मार दिया, वो अनाउंसमेंट वीडियो में। तो ये प्योर कॉमेडी कल्ट क्लासिक इमोशनल फिल्म रहेगी, इमोशनल भी रहेगी, बिकॉज एक बहुत ही सीरियस ये चीज़, ये एक्चुअली एक ये टॉपिक जो इन्होंने चूज़ किए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये टॉपिक डे टू डे लाइफ में ही मैंने देखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला है लोग यहाँ पे आए हुए हैं ऐसे डोंकी फ्लाइट के ज़रिए से आए हुए हैं मेरे स्टेट पे, एंड बहुत यहाँ पे हंगामा हुआ था। ये 2016 की बात है, और मतलब लिटरली यार बहुत बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा ये हुआ था, मतलब स्ट्राइक भी लग गया था, कर्फ्यू लग गया था, तो इतना बड़ा हंगामा हुआ था। या ये यहाँ पे ही नहीं, बहुत जगह पे होता है। तो कुछ लोग तो इलीगल काम करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तो बस मतलब उनको खाने पीने के लिए कुछ उनके पास नहीं है, घर बार नहीं है, तो वो भी डोंकी फ्लाइट का इस्तेमाल करके दूसरे शहर दूसरे कंट्रीज जाते हैं तो अपना बिजनेस कराने के लिए। तो मेनली उस प्लॉट पे ये फिल्म है, और लिटरली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस प्लॉट पे फिल्म बननी चाहिए। एक बात बोलता हूँ भाई, लिटरली ना बंदे के लिए रेस्पेक्ट इतना बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया। यहाँ पर रीमेक्स का दुकान चालू हो गया, एक और रीमेक फिल्म, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ जिस फिल्म का वो रीमेक है ना भाई, वो फिल्म का डाई हार्ड फैन हूँ मैं, डाई ना। वो सुपरस्टार का नाम लेना चाहता हूँ, अभी 6 बजे वो फिल्म का भी अनाउंसमेंट हुआ है, और वो लिटरली रीमेक फिल्म है। मतलब जहाँ रीमेक पर रीमेक, रीमेक पर रीमेक, 2-3 सुपरस्टार्स रीमेक पर रीमेक, रीमेक पर रीमेक करके जेब और घर भर रहे हैं, और वहीं पे ये बंदा ओरिजिनल कंटेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हटके हटके वाला कंटेंट लेकर आ रहा है। तो एक अप्रिसिएशन भाई उस चीज़ के लिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो शाहरुख खान है फेवरेट, फेवरेट होने का रीज़न भी वही है यार, फेवरेट होने का रीज़न भी वही है कि बंदा मतलब लिटरली भाई, लिटरली कुछ भी कहो कंटेंट ओरिजिनल लाएगा, भले ही फ्लॉप हो जाओ, 200 फ्लॉप दे दो, लाइन में फ्लॉप दे दो, 90 करोड़ 80 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शंस, लेकिन किसी रीमेक फिल्म को टच नहीं करेगा। इमेजिन करो, मैं अभी जिस फिल्म का मैंने नाम लिया कि शाम को 6 बजे अनाउंस हुई है, वो जिस फिल्म का रीमेक है ना, वो तमिल फिल्म है। वो तमिल फिल्म मैंने कम से कम थिएटर में ही 4 बार देखा है, हाईएस्ट वॉच तमिल फिल्म है जो मैंने थिएटर में देखा, 2.0 से ज़्यादा देखा, हाँ देखा है। इमेजिन करो अगर वो कैदी, कैदी है फिल्म का नाम, कैदी में अगर इमेजिन करो शाहरुख खान होता तो, इमेजिन करो जिन लोगों ने वो फिल्म देखा है, तो तुम जस्ट इमेजिन करो वो लुंगी स्टाइल में, वो मतलब वो बाप का रोल, बस इमेजिन करो, सोच कर देखो कलेक्शंस कितने आते थे, लेकिन बंदे ने टच तक भी नहीं किया, रीमेक को टच भी नहीं किया। विक्रम वेदा क्यों रिजेक्ट किया, क्यों रिजेक्ट किया, क्यों नहीं किया विक्रम वेदा, दैट इज ऑफिशियल रीमेक ऑफ ए साउथ इंडियन फिल्म। रेस्पेक्ट भाई, रेस्पेक्ट बंदे के लिए। जो भी हो भाई, मैं तो अपने तरफ से और फैमिली एसआरकेएंस और सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोग हैं अपने तरफ से ऑल द बेस्ट कहूँगा पूरी टीम को, एंड शाहरुख खान सर को तो स्पेशली, बिकॉज ओरिजिनल ट्राई करने के लिए एक रेस्पेक्ट सर, ओरिजिनल ट्राई करने, जो भी करते हो ओरिजिनल करते हैं, मज़ा आता है, वो चीज़ सबसे अच्छा लगता है। तो होप सो कि इस बार आपका कमबैक नहीं, अब रूल करो जैसे कि आप 2 डिकेड रूल करते थे, इस बार भी रूल करो आप, और आपका कमबैक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नए निब्बा निब्बीस आए फिल्मी दुनिया में, आए नए नए 2-3 फिल्म देखकर मतलब फिल्मी लवर्स बन जाते हैं, तो उनको तो बताना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ग्लोबल ग्लोबल क्राउड पुलर हो। तो लेट्स, वी कैन वेट एंड वी कैन वॉच, और तब तक के लिए, और जिन लोगों के साथ रेड चिलीज के साथ कोई लिंक अप है तो मेरे को थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ यार, थोड़ा इंस्टाग्राम में DM करो, कुछ काम है मैं बताना चाहूँगा, और वो काम अगर सक्सेस हो गया ना भाई ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि पठान और पठान रिलीज, पठान आने के लिए भी 7-8 महीने बचे, और जैसे ही पठान रिलीज डेट नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग कुछ धूम मचाने वाले हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिन लोगों का कोई लिंक है रेड चिली सेंटर, क्योंकि मेरा 2 बंदे थे, वो दोनों बंदे अब उसमें से एक का तो नंबर नहीं लग रहा और दूसरा बंदा छोड़ चुका है, तो किसी का लिंक अप है SRK यूनिवर्स और एक क्या यार वो SRK CFC कोई ऐसा कोई है, तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ यार, और इंस्टाग्राम में थोड़ा DM कर देना, मैं कुछ बताऊंगा, अपन कुछ प्लान करेंगे, धमाका कर देंगे, फिल्म आने दो धमाका कर देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए।